नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो न्यूज है उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग से है, तो चलिए देखते हैं न्यूज में आज क्या आया है। जैसा कि देख पा रहे हैं ये न्यूज है आज 14 जनवरी दिन सोमवार प्रयागराज, प्रकाशन अमर उजाला के पेपर से है। इसमें देखिए पहला हेडिंग दिया है इसमें, यूपीपीएससी में अप्रैल तक नौकरियों का कुंभ। अब देखिए इसमें क्या दिया है, कई बड़ी परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी में आयोग, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एलटी ग्रेड शिक्षक का आएगा रिजल्ट। यहां पर दिया गया है एलटी ग्रेड शिक्षक का आएगा रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज में क्या दिया गया है। देखिए यहां पर प्रयागराज में एक तरफ मार्च तक धर्म और संस्कृति का कुंभ चलेगा, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग यानी यूपीपीएससी में नौकरियों का कुंभ लगेगा। आयोग अप्रैल तक कई बड़ी परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में इन दिनों पीसीएस 2016 के इंटरव्यू चल रहे हैं, साक्षात्कार 24 जनवरी तक चलेंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग फरवरी में इस परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर देगा। इसके अलावा आयोग ने पीसीएस जे 2018 के मुख्य परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है और मुख्य परीक्षा जो है 30-31 जनवरी एवं 1 फरवरी को होगी। पीसीएस जे की 810 पदों पर भी भर्ती होनी है और मुख्य परीक्षा के बाद आयोग की ओर से इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा का अंतिम परिणाम भी मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में आने का आसार है। इसके अलावा आयोग ने आरओ यारो 2017 के मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है, जो 17-18 एवं 20 फरवरी को आयोजित की जानी है। मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने में 1 माह का समय लग सकता है, इसके बाद इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा का अंतिम परिणाम अप्रैल के अंत तक आने की उम्मीद है। आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती एलटी ग्रेड का है। देखिए आयोग के लिए जो है सबसे बड़ी चुनौती जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी करना, और एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 29 जुलाई को आयोजित की गई थी। आयोग के सूत्रों के अनुसार कई विषयों के परिणाम लगभग तैयार किए जा चुके हैं और इस माह के अंत या फरवरी की शुरुआत में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विषयवार घोषित किए जाने की तैयारी है। और इसके साथ ही आयोग ने परिवहन विभाग में आरआई टेक्निकल के 79 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि भी घोषित कर दी है और इंटरव्यू का आयोजन 18-24 जनवरी तक किया जाना है और इस परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम आयोग माह के अंत या फरवरी के पहले हफ्ते में जारी कर सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्च तक कुंभ चलेगा, इसके बाद अप्रैल तक नौकरियों का कुंभ चलेगा, इस टाइटल से ये पेपर में न्यूज आया अमर उजाला के। और सबसे बड़ी जो चुनौती है यहाँ पर मैं बता दूँ कि आयोग के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वह है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी करना, और यह परिणाम कब आएगा यहाँ पर लिख भी दिया गया है स्पष्ट रूप से। हाँ, इसका परिणाम तैयार कर लिया गया है और यह परिणाम जो है माह के अंत यानी जनवरी के अंतिम या फरवरी के शुरुआत में एलटी ग्रेड का परिणाम जो है घोषित किए जाने की तैयारी में है। तो ये था आप लोगों के लिए न्यूज। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए
तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।